दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्क्वायर नेक में जो स्ट्रेट स्ट्रिप वाला नेक लेके आया हुआ है, ये तो बहुत ही इसी काम है और बहुत बढ़िया नेक भी बनाया हुआ है। ये देखिए, उसके लिए सबसे पहले मैं कैनवास में नेक किस तरह काटते करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये कैनवास मोड़ के रखा हुआ है, उसके बाद में 3.5 इंच का चौड़ाई, ये दोनों साइड में 3.5 इंच का मार्किंग कर लेने का। उसके बाद में 6.5 इंच का डेप्थ बना देता है और इसका ये साइड में 5.5 इंच का मार्किंग कर लेता है, क्योंकि वो थोड़ा छेड़ा शेप में, तिरछा शेप में हम बना रहे हैं इसलिए। ठीक है, इसी तरह इसका शेप बना देने का। फिर आपको जितना चौड़ाई चाहिए, क्योंकि ये सामने रख के हम पीछे की तरफ मोड़ता है, इसलिए इसका दूसरा शेप क्या है करके हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो मर्जी आपको शेप बना सकते हैं, सिंबल कितना चौड़ा चाहिए तो भी रख सकता है। ठीक है, अभी आराम से इसको काट देने का। अभी ये देखिए, मैं इसको इसी तरह रख के काटता हूँ, लेकिन ये देखिए आपको इसमें फ़र्क दिखाई देगा, इसलिए मैं दोबारा इसको पिन मार के कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो कभी भी इसी तरह ये हो जाता है, गला काटने के टाइम पे पिन नहीं मारता है तो ये थोड़ा इधर उधर फिसल जाता है, फिर शेप खराब हो जाता है, इसलिए हम इसी तरह पिन मार के कभी भी कटिंग कर लेने का। ये पेपर कैनवास है, मोटा कैनवास नहीं है, इसमें ब्रिज बना के काट के हम अभी इसको कपड़े में फिक्स कर देते हैं, आयरन करके चिपका देने का। ठीक है, अभी ये देखिए, ये हमारा चिपकाया हुआ नेक है, उसको मैं साइड भी फोल्डिंग करके सिलाई किया हुआ है, अभी इसमें अटैच कर देता हूँ। ठीक है, इसमें ये देखिए, बीच में से एक सिलाई कर देते सबसे पहले। ठीक है, इसी तरह सिलाई कर देने का। अभी इसका किनारे से, एकदम किनारे से हम सिलाई कर देते हैं इसको पूरा फुल राउंड। ठीक है, इसी तरह इसको सिलाई करके दूसरी तरफ मोड़ देने का। अभी ये देखिए, इसका सिलाई ख़त्म हो गया, अभी इसको हम काट के दूसरी तरफ मोड़ देता हूँ। ठीक है, इसी तरह बीच में 3 जगह काट देने का, क्योंकि अच्छी तरह मोड़ने के लिए। अभी इसको एकदम इसी तरह मोड़ के एक बार आयरन कर देने का, तभी वो एकदम बराबर बैठ जाता है। ठीक है, ये तो नेक तो रेडी हो गया। अभी देखिए, इसमें जो मार्किंग करता है वो आप लोग ध्यान देने का उसमें, क्योंकि इसी तरह मार्किंग इसलिए करता है हमें परफेक्ट इसका शेप मिलने के लिए। ये जो मार्किंग जो होता है, ये मार्किंग के हिसाब से हम इसमें पट्टी लगा देता है, पट्टी का चौड़ाई कितना है वो चौड़ाई के हिसाब से। अभी दोनों साइड में मार्किंग करना पड़ेगा आपको, जो डिज़ाइन आपने देखा होगा वो डिज़ाइन बनाने के लिए ये मार्किंग बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें परफेक्ट वो डिज़ाइन में आना चाहिए।
ठीक है, ये अभी नीचे वाला शेप भी, तिरछा शेप भी इसमें मार्किंग करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये जो शेप भी बनाएगा तो हमारा काम, अभी सिलाई दूसरा पट्टी लगा सकते हैं हमें, ये इस शेप के हिसाब से हम पट्टी लगा देते हैं इसमें। अभी देखिए हम दोनों साइड में सबसे पहले इसी तरह पट्टी लगाते हैं। ये स्ट्रेट पट्टी, ये 22 पट्टी नहीं है, वो जरूर ध्यान में रखना आप लोग। इसी तरह सिलाई करके जो मार्किंग किया हुआ है हमने, वो मार्किंग से थोड़ा आगे रख के इसको रोक देने का, इधर से हम काट के अलग करना है इसको। अभी ये देखिए इसी तरह सिलाई करके उसको, इसी तरह दोनों से दूसरा साइड में भी आप लोग सिलाई कर देने का। ठीक है, अभी ये दूसरा साइड में भी सिलाई करनी है। देखिए दोनों साइड में हमने सिलाई कर दिया, अभी बीच में हम इसका पट्टी लगाते हैं। वो देखिए किस तरह लगाता है करके, जैसा हमने उधर लाइन बनाया वो मार्किंग के नीचे रख के इसका सिलाई शुरू कर देने का, फिर पूरा नीचे तक लाके उसमें। एक एक ही बात आपको ध्यान में ज़्यादा ध्यान देने का है, क्योंकि जो कॉर्नर उसका मोड़ता है, वो कॉर्नर किस तरह मोड़ता है करके देख लेने का। वो कॉर्नर मोड़ने का ही काम है, वो ही थोड़ा बढ़िया आप ध्यान देने का उसमें। अभी देखिए इसी तरह आराम से आप लोग सिलाई कर देंगे, जब ये जो कॉर्नर में देखिए मैं किस तरह फोल्डिंग करता है। ठीक है, इसी तरह फोल्डिंग करके उसको अंदर की तरफ मोड़ देना है। उसके लिए आपको कोई टूल्स वगैरह यूज़ करेगा तो अच्छा है, छोटे स्क्रू ड्राइवर या कुछ ना कुछ यूज़ करेगा तो आपको काम ईजी हो जाएगा। इसमें ये जो नेकलाइन जो हम बनाता है, ये जो स्ट्रिप वाला नेकलाइन, इसमें मैं आपको पहले भी बताया था, ये आपको हर कोई नेक में लगा सकता है, क्योंकि आपका कोई पुराने कुर्ती वगैरह घर पे पड़ा है उसमें कोई नेक नहीं है, तो उसको उसके ऊपर भी आपको नेक, ये वाला नेक लगा सकता है। जो आपको जितना भी बढ़िया नेक चूड़ीदार हो उसमें नेक नहीं है, तो इसी तरह आपको अपने हिसाब से आपको नेकलाइन इसमें लगा सकता है। इसमें ये जो स्ट्राइप भी बनाना बहुत ईजी है, इसमें कोई बढ़िया काम नहीं है। 1 इंच का कपड़ा लेने का, 1 इंच का कपड़ा स्ट्रेट, ये तो स्ट्रेट काटा हुआ है, स्ट्रेट काट के इसको दोनों साइड क्वार्टर क्वार्टर इंच की तरह हिसाब से मोड़ के उसके ऊपर आयरन कर देने का, बस काम खत्म हो गया। अभी ये देखिए, ये ऊपर से मैं दूसरा नेक सिलाई करके शुरू करके लेके आया, मेरा कैमरा थोड़ा बैटरी डाउन हो गया था, इसकी वजह से वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, लेकिन आप इधर से देख लीजिए मैं किस तरह करता है करके, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही शुरू किया था। अभी देखिए इसी तरह ये बीच वाला नेक इसी तरह तैयार रख के हम सिलाई शुरू कर देते हैं उधर से, क्योंकि वो परफेक्ट, हमें फिनिशिंग मिलने के लिए हमें परफेक्ट पहले इधर से मोड़ के रख देने का इसी तरह।
ठीक है, इसी तरह सिलाई करके ले आने का, और इधर जो कॉर्नर आता है तो कॉर्नर में ऐसा इसी तरह मोड़ देने का उसको। इधर यही आप ध्यान में रखने का, ये देखिए जो हमने पहले लगाया हुआ जो पट्टी है उसके जो दोनों एंड हम इसके नीचे लेके आया, क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा, उसकी वजह से मैंने उधर पहले लाइन बनाया था, क्योंकि उसको इधर छुपाना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, इसी तरह अभी सिलाई हमारा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में उसकी दूसरे साइड भी सिलाई कर देने का। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर मेरा वीडियो आप लाइक करके शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना भी ना भूलिए आप लोग। जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दी नहीं किया, ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं नए नए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। जो भी वीडियो मैं लेके आएगा आपके लिए बहुत इजी मेथड में लेके आएगा। ठीक है, ये देखिए अभी हमारा नेक एकदम बढ़िया बन गया हुआ है। हम कैनवास लगा के भी इसी तरह हमें नेक बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये बहुत आसानी तरीके से हम नेक बना रहे हैं। इसमें समझिए बहुत सारे डिज़ाइन हमें बना सकते हैं। मैं अभी तीन सिंपल डिज़ाइन आप लोगों को बना के दिखाया है, इसमें और भी बहुत बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन बना के बना सकते हैं। आप लोग मुझे बना के उसका फ़ोटो भेज दीजिए, अच्छे अच्छे डिज़ाइन आप लोग ज़रूर बनाइए। मैं और भी इसमें डिज़ाइन बहुत बना के आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन अभी थोड़े मैं और कोई डिज़ाइन बताना है। ये देखिए इसी तरह दो बटन भी लगाया तो हमारा काम एकदम फिनिश हो गया। ये देखिए इसका जो पीछे वाला ब्लू कलर हमें बराबर मिल गया हुआ है। ठीक है, इसी तरह बढ़िया बढ़िया नेकलाइन आप लोग ज़रूर ट्राई कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।